सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इविल नन। पिछली बार तो हमने भाई इविल नन को काफ़ी गंदा वाला पीटा था और काफ़ी इजीली हमने एस्केप कर लिया था। कोई ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ 3 पजल मैंने सॉल्व की और सीधा इविल नन के घर से बाहर। नाइस। पर इस बार मैंने देखा है, अभी देखा है, जो कि आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, हमारे पास 3 एस्केप है। अभी कार एस्केप भी है और एक एपिक एस्केप भी है, तो आज हम कार एस्केप करने वाले हैं। अब भाई मुझे नहीं पता ये कार एस्केप कैसे होगा, पर करते हैं। चलो भाई, स्किप इंट्रोडक्शन कर दिया था तो भी ये क्या हो रहा है? अलग ही लेवल के नशे है भाई। वेट, अरे पिछले एपिसोड में तो भाई कुछ और ही लिखवा रहे थे, इस बार तो मेरा नाम लिखवा रहे हैं। मतलब कुछ भी होता रहता है यहाँ पे। अभी तक वो आंटी ऊपर घूम रही है यार, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। मतलब मुझे अभी पता ही नहीं है कि यार करना क्या है यहाँ पे। अभी मुझे कार एस्केप करना है ब्रो, मुझे कुछ दे दो। ओ, दिल की धड़कने बढ़ रही है, एफ हो गया लगता है। कुछ भी, ओ शायद वो ऊपर आ गई है इसलिए। यार काफी गंदी जगह पे बैठा हुआ हूं मैं। अरे मुझे पीक नहीं लेनी चाहिए, नहीं देख रही हो तो भी देख लेगी। अरे कितना फुटस्टेप आता है यार। अब मैंने आवाज कर दी है तो मुझे यहां से निकलना पड़ेगा। चलो भाई, इसमें छुप जाते हैं। ओ भाई क्या टाइमिंग है यार। अरे क्या उछल उछल के आ रही यार। इट्स हर चॉइस। भाई साहब क्या टाइमिंग है मेरी, ओपी टाइमिंग बोलते यार। मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए लगता है। ओके गाइस, हमें स्मॉल केबल मिल चुका है, देखते हैं क्या पागलपंती कर सकते हैं हम इसमें। इविल नन इतनी डरावनी नहीं है जितना का ये बच्चा है साला। ओके ओके, मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे पेंटिंग नहीं गिरानी चाहिए थी। इविल नन को बुरा लग गया है, उसकी पेंटिंग गिर गई। कुछ भी नहीं है यार, ये लटका के ही क्यों रखे है तुम लोगों ने। आ जा यार, कहां पे गई? एक स्टेप हमने पार कर चुके हैं। मैंने भाई अभी तक ऊपर का एरिया ठीक तरीके से वो नहीं किया है, एक्सप्लोर नहीं किया है। व्हाट, कुछ भी भाई, ये तो मेरे रूम में थी। अरे चल ले भाई यार, ये बकवास मत किया करो। अरे यार कुछ तो करने दे मुझे। और यार ये स्कूल के दरवाजे क्यों बंद है? ओके ओके, यहीं पे ही खड़ी है। हैं
मैं तो इस तरफ आ गया हूँ भाई, तू मुझे देख कैसे सकती, कुछ भी मतलब, मजाक मत कर यार। इस बुढ़िया ने लिटरली मेरा बड़ा दिमाग ख़राब करके रखा है, कुछ करने ही नहीं दे रही है मुझे। भाई तू कुछ काम कर, मुझे कुछ काम करने दे, तू खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, मुझे खुश रहने दे। पर नहीं, ना हम कुछ काम करेंगे ना तुमको करने देंगे। ले भाई, अरे झाड़ू मिला है ब्रो, ठीक है मैं अभी ये झाड़ू भी लेके जाने वाला हूँ, एंड आई होप के उसमें से मुझे कुछ अच्छी चीज़ मिले। मास्टर की मिलेगी मैं तो उससे आराम से एस्केप कर जाऊँगा, पर इस बार भैया मैं मास्टर की से एस्केप नहीं करना है। ला भाई, इससे मैं क्या इविल नन के मुंह पे फेंक के मार सकता हूँ क्या? आ भाई ठीक है, नहीं मार सकता मैं। ले तू ही खेल ले फुटबॉल भाई, मुझे जाने दो, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे नहीं खेलना फुटबॉल। वो भाई यहीं पे चल रही थी, भाई मेरा वो डिब्बा ऊपर कैसे अटक गया यार, इतना सही से तो मैंने फेंका था। आजा भाई हाथ में आजा, जा भाई पहले तू नीचे जा, मैं सिक्के ले लेता हूँ। ओके ओके, वो वहीं पे ही खड़ी है। भाई तेरी वैन जा रही है, व्हाट आर यू डूइंग हियर? हैं जी, कैसे पॉसिबल है, आपने मुझे देखा कैसे मैडम? क्या है यार, कुछ काम नहीं करने दे रही है। यहाँ पे मेन डोर्स की ये नहीं चाहिए मुझे। बहुत आवाज हो गई, बंद करो भाई। तो भाई यहाँ पे हमें क्रोबार की जरूरत है, एंड आई डोंट थिंक अभी तक मुझे क्रोबार कहीं दिखा है। वेट अ मोमेंट, अच्छा ये तो डब्बा है। कुछ तो हो भाई, कुछ तो। अरे भाई कौन इतनी आवाज करता है यार, कोई सा भी डोर इतनी आवाज़ नहीं करता, ठीक है? मतलब कुछ भी मत, बेवकूफ़ बनाना बंद करो यार। एक क्रोबार की ही तो बात है। ओके ठीक है, ज़्यादा अभी डर नहीं लगता, तेरी गंदी शक्ल हम पहले ही देख चुके हैं, तो अभी इतना भाव खाने की ज़रूरत नहीं है। तो गवार है तो गवार की गवार ही रहेगी। क्रोबार ला भैया, चिल्लर ही दे दो, पजल से रिलेटेड चीज़ें देंगे नहीं, चिल्लर ही पकड़वा देंगे। ले भाई क्रोबार, प्लीज़ गिव मी क्रोबार, आई नीड अ क्रोबार। यहाँ पे भी डोर्स हैं, नहीं ये डोर नहीं है। सीरियसली भाई कुछ रखना ही नहीं है तो यार तुम ड्रॉअर्स बनाने की मेहनत भी क्यों कर। येलो की, ओके
भाई वैसे ग्रैनी बोल रहा हूँ, ये नन के हथौड़े से भी टूट टूट सकता है यार ये प्लैंक, पर वो हथौड़ा देगी नहीं, उल्टा मेरे मुंह पे ही मार देगी हथौड़ा। हेलो, चल भाई। भाई डर भी नहीं लगता यार, क्या दिल की धड़कने क्या बढ़ा रहे हो, बहुत बार मार खा चुका हूँ। बस भाई एक चीज़ से मुझे डर लगता है, जब ये चिल्लाती है ना यार, कान की बैंड बज जाती है। चिल्लर्स नहीं चाहिए भाई, मुझे एक क्रोबार दे दो इसमें। ओके ठीक है, वो बड़ा होता है, क्रोबार बड़ा होता है, इतने छोटे में तो ही ना आएगा। यहाँ से हम आए थे, यहाँ को हम जाएंगे, पर क्रोबार नहीं मिल रहा ना ब्रो। ओ भाई ये गन फट गया भाई साहब, लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए, अचानक से आ गई। अरे कम ऑन, सेकेंड डे, चलो कोई नहीं, मैंने अभी तक क्रोबार नहीं ढूंढाया। भाई ये क्रोबार रखा कहाँ पे यार तूने, कुछ तो बताओ, कुछ तो हिंट दो। मैं सारी जगह पे देख के आया हूँ यार, कहीं भी क्रोबार नहीं है, मजाक है क्या? चलो वो तो पागल है, नहीं पता चलेगा उसे, तो भी छिप जाते एक बार को। इसकी बड़ी हार्ट, इसका बड़ा हार्ट कमज़ोर है यार, इसका तो मेरे से भी हार्ट कमज़ोर है, पर समझ सकता हूँ यार बच्चा है। भाई कभी इमेजिन करो, तुम्हारी मैथ्स की टीचर तुम्हें मैथ्स पढ़ा रही हो, और तुम्हें बाद में पता चले कोई इविल नन जैसी एक हथौड़ा लेके घूमती है। भाई तुम्हारी फटके तो वहीं पे चार हो जाए। Yes, exactly, exactly. क्यों हथौड़ा लेके घूमते, वही सुन के तुम्हारी फटके चार हो जाए। ये तो भैया कितने लोगों का मर्डर करके बैठी है, तो इसकी तो क्या ही हालत हो रही होगी। ओ क्रोबार मिल गया भाई, बाहर कौन रखता है यार क्रोबार। चलो ठीक है, जो भी हो हमें तो इससे मतलब है। भाई खिसक जा गवारपंती, उसी चाबी के ऊपर गिर गया मेरा, चाबी के ऊपर वो गिर गया गवारपंती, खिसक। आर यार यार ये तो आई गया सभी, तो उसे पता नहीं होगा कि भाई मैं इसके अंदर बैठा हुआ हूँ, पता होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मेरी गंदी लग जाएगी। खिसक, चलो ये लेते हैं, चलो भाई। अरे वैन चली गई मुझे लिए बिना। ओके ओके ठीक है ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है ये बंदी यहाँ पे आती है। चलो जी ओके, मुझे इस तरफ जाना है। ओ भाई अरे मज़ा आ गया, ये कदम मज़ा आया मुझे। अरे इससे तो मैं वापस चला जाऊँगा, अच्छा मैं इससे ऊपर जा सकता हूँ। ओके खोलो भाई, अरे चढ़े जा मर्तुल्ले। ओके यहाँ पे वो कुछ कर रही है, सो जा। अगर ये सोने जाती है ना तभी मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। चलो सो गई, अभी मुझे ये चाहिए। मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ अभी भाई, कोई ओ भाई आ गई थी यार। ये दो नन हैं, इसमें से एक ये इविल है, और वो वाली पता नहीं क्यों सोती रहती है इतना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। ओके तो यहाँ पे ये कपड़े मतलब गंदे कपड़े उसमें लोड करती है, तो उसी से कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। वो शायद इविल नन, शायद वो गटर में से ही आती है ये वैन को देखने के लिए।
तो इसने सारे कपड़े निकाल दिए हैं, आई गेस, आई थिंक सो। जा भाई सोने चली जा यार, तेरा आराम का टाइम हो गया है, ये आराम का मामला है। तो चलो ये सो गई है। तो भाई मैंने उसके कपड़े मैसअप कर चुके हैं, मतलब मैसअप कर दिया मैंने उसके कपड़े। तो अब देखना अब क्या होता है। ओके वो उठ तो चुकी है। वो फक पागल है क्या? अबे तू पार तेरी माँ की, क्या चिल्ला रही है, पागल है क्या तू? हम पहली फुर्सत में ही कर लेंगे भाई। क्या चिल्ला रही है यार, बच्चा देखा है तूने? मैं एक बच्चा हूँ सीरियसली, मुझे देख के ऐसे क्या डर रही है जैसे तूने भूत को देख लिया हो, जबकि काम तो भूत के साथ ही करती है। ये मैंने पहली औरत देखी है जो भाई बच्चे को देख के ऐसे चिल्ला रही है, अजीब ही है। इतना तो पक्का पता है वो नन ऊपर ही घूम रही है। इसके आगे जाके देखता हूँ। व्हाट ये क्या था? मैं तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए जा रहा था यार, तुमने तो मार ही दिया मुझे। कभी ठीक है जी, ठीक है, लास्ट डे है, कोई बकवास नहीं करनी। ओ नहीं 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 नहीं, नहीं। तेरी भाई क्या था ये, मैं वहाँ पे जाना ही नहीं चाहता था, मैं गिर गया यार। क्या गोबरपंती कर रहा हूँ मैं भाई, दो दिन तो मेरे ऐसे ही वेस्ट हो गए। अरे चल ले गवार आदमी, ये साले बच्चे होते ही गधे हैं। ओ भाई आराम से चल भाई, चल 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 चल, यस ऊपर चढ़ ले। सो रही है, शिट 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 शिट, मे बी ओ ये बॉय, मैं अंदर घुस गया हूँ। चलो जी, ओ माय गॉड, मैं पागल हूँ यार, मैं सीरियसली पागल हूँ। मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड चल रहा है हर गेम में चौथे दिन पे ही एस्केप करने का, चौथे दिन पे ही सर्वाइव करने का, वो अभी भी मेरा जारी ही है भाई। I am noob. ओ भाई ये कैसी नन है, लॉल, ये इविल नहीं लग रही है, काफ़ी फनी लग रही है। ओके तो मुझे देख के चिल्ला क्यों रही थी भाई, मैं बच्चा हूँ, मैं क्या कोई क्रीपी क्रीपी बच्चा हूँ क्या? मेरे दांत बाहर निकले हैं कि मेरी नाक बड़ी। ओ बॉय हो गया भाई साहब, हो गया। चलो जी लेके चलो मैडम मुझे यहाँ से बहुत दूर, पिकनिक करेंगे हम दोनों। थैंक यू मुझे लिफ्ट देने के लिए। ओ यस, हम फाइनली एस्केप कर गए हैं वैन से, और हमें काफ़ी सारी चिल्लर्स भी मिल चुकी है। क्या बात है गाइस, ये वाली एंडिंग मुझे लिटरली बहुत मज़ा आया। वो दो दिन मैंने जो वेस्ट किए थे उसे बुलाने की कोशिश करूँगा भाई, वो तो कुछ ज़्यादा ही घटिया था, वो सबसे घटिया चीज़ थी। मैं एक बार कूदा, मुझे पता चल गया कि भाई मैं उससे मर जाता हूँ, मैं दूसरी बार भी वही गलती करके वहीं पे कूद गया। पर चलो कोई नहीं यार, पर एस्केप करने में बहुत मज़ा आया यार। चलो भाई अब अगली वीडियो में मैं इसका जो मास्क वाला होगा उससे ज़रूर कंप्लीट करूँगा, क्योंकि आई गेस इसमें सिर्फ तीन ही एंडिंग है जिसमें से हम डोर एस्केप और वैन एस्केप कर चुके हैं, तो अब वो सिर्फ मास्क वाली एंडिंग रहती है जो कि एपिक एस्केप है उसमें नाम।
तो वो करेंगे, मज़ा आएगा यार उसमें, उसमें उसके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो चलो गाइस मिलते हैं अब अगली वीडियो में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।